समोध वीर हनुमान जी का मंदिर। वीर हनुमान जी का मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्राम नांगल भरडा तहसील चौमू में समोद पर्वत पर स्थित यह मंदिर राजस्थान के सबसे धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में हनुमान जी की 6 फीट विशाल प्रतिमा स्थापित है और भगवान राम का मंदिर भी है। कहा जाता है कि लगभग 600 वर्ष पूर्व संत श्री नगनदास जी अपने शिष्य श्री लाल दास जी के साथ हिमालय से भ्रमण करते हुए आए थे। वे सप्त पर्वत शिखर समोध्या पर्वत पर तपस्या करने लगे। कहा जाता है एक दिन श्री नगनदास जी ने आकाशवाणी सुनी, मैं शीघ्र ही वीर हनुमान के रूप में प्रकट होऊंगा। उसी समय नगनदास जी ने पहाड़ी की चट्टान पर श्री हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन प्राप्त किए। तब से नगनदास जी श्री हनुमान जी की आराधना करने लगे। जिस चट्टान पर उन्हें श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए थे वह उसे हनुमान जी का आकार देने लगे। वर्तमान में स्थित श्री हनुमान जी की 6 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा तभी प्रतिष्ठित कर दी गई थी और उसकी पूजा आरंभ कर दी गई थी। जिस समय इस मंदिर की प्रतिष्ठा की गई थी तब यह स्थान अत्यंत ही एकांत और दुर्गम था। यहाँ जंगली जानवर विचरते थे, आम आदमी का आना जाना ना के बराबर था। संत श्री नगनदास जी वीर हनुमान जी की पूजा अर्चना किया करते थे और मूर्ति को पर्दे से ढक कर ही रखते थे। लेकिन एक दिन भक्त मंदिर में आया और पर्दा हटाकर दर्शन करने की प्रार्थना की। लालदास जी ने पर्दा हटाकर भक्त को हनुमान जी के दर्शन करवा दिए, परंतु उसी समय मूर्ति से भयंकर गर्जना हुई और वह भक्त मूर्छित होकर गिर पड़ा। इस गर्जना से आसपास की पहाड़ियों पर गायें बकरियां चराने वाले ग्वाले डरकर अपने अपने घरों को लौट गए। यही कारण है कि वीर हनुमान जी की पीठ ही अधिक पूजी जाने लगी। तब से धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी वीर श्री हनुमान जी की महिमा की चर्चा होने लगी और लोग पहाड़ी के दुर्गम रास्तों से चढ़कर दर्शन करने आने लगे। समोद वीर हनुमान जी का मंदिर आज के समय में काफी प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने के लिए 1100 से ज्यादा सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। इन सीढ़ियों की खास बात यह है कि इन्हें आज तक कोई सही तरीके से गिन नहीं पाया है। भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और यहाँ रुक भी जाते हैं। भक्तों के लिए भोजन प्रसादी तैयार करने के लिए भी कमरे हैं।